कौन सा टेस्ट कराना चाहते हैं? दाढ़ी का देख गया था ना, तो नहीं निकलते हैं वही चंद कौन सा टेस्ट कराना चाहते हैं? दाढ़ी का देख गया था ना, तो नहीं निकलते हैं वही चंद इसीलिए नहीं लिए हैं। दाढ़ी का देख गया था ना, तो नहीं निकलते हैं वही चंद लोग घर इसीलिए नहीं लिए हैं। कौन सा टेस्ट कराना चाहते हैं? दाढ़ी का देख गया था ना, तो नहीं निकलते हैं वही चंद लोग घर ये रिकॉर्ड कर रहा है। भैया कहाँ गए? तो नहीं निकलते हैं वही चंद लोग इसीलिए व्यक्ति का वो वीडियो है, वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। आपत्तिजनक है, प्रजातंत्र में इस प्रकार की व्यवहार स्वीकार नहीं है। मैं चीफ सेक्रेटरी से इस बाबत बात करूंगा और वो कलेक्टर के संदर्भ में जो भी कार्रवाई करना है वो करें। ये हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, लेकिन माफ़ी मांगी है, मेरे को उसकी जानकारी नहीं थी, तो ये पहला उचित कदम है। मैं केवल एक मंत्री हूँ, डायरेक्ट कलेक्टर के ऊपर कोई एक्शन नहीं दे सकता। मैं इसीलिए कहा कि उनके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जिनके अधीन वो काम करते हैं उनसे मैं इस बाबत बात करूँ। दाढ़ी का देख गया था, तो नहीं निकलते हैं वही चंद लोग घर इसीलिए कर रहा है। रिकॉर्ड किया मैं।
भैया कहाँ गए? भैया